गुड मॉर्निंग। आज एक नए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और ये क्विज कॉन्टेस्ट है। इस प्रोग्राम में हम लोग यूट्यूब में क्विज कॉन्टेस्ट शुरू करने वाले हैं, जो एक वीकली प्रोग्राम है। 5 या 6 दिन पे आपका क्विज किया जाएगा और इसमें आंसर भी आपको यूट्यूब पे ही देना है, और आंसर जाहिर सी बात है फुटकल में नहीं देना है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ओपन क्विज कॉन्टेस्ट का पहला पार्ट है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इन क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और सबको याद करें। चलिए जिंदगी में आगे बढ़ें। अब हम क्विज शुरू करते हैं। चूंकि ये पहला दिन है तो हमने कुछ बातें आपके सामने रखी। तो सवाल हम शुरू करते हैं। इसमें 20 सवाल होगा और 20 सवाल वीडियो 1 से वीडियो 5 तक के बीच का होगा, उसी तरह वीडियो 5 से वीडियो 10 तक के बीच का, वीडियो 10 से वीडियो 15 तक के बीच का, और वीडियो 15 से ऐसे 16 to 20, 21 to 5, 26 to 30, इस तरह से हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। और ये कंटिन्यूअस प्रोग्राम है, ये निरंतर चलेगा जब तक आप सफल ना हो जाएं। आप सफलता पा लेंगे तो नए लोग आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे और ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा। तो पहला सवाल शुरू करते हैं हम। तो पहला सवाल है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन है? दूसरा प्रश्न है, लाल रंग का ग्रह रेड कलर प्लेनेट कौन है? और तीसरा सवाल, पृथ्वी सूर्य के सबसे पास यानी क्लोज्ड कब होती है, किस डेट को होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक कब होती है? चौथा सवाल, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? और पांचवा सवाल, पूर्व का वेनिस कौन है? छठा प्रश्न, हल्दी का भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? और सातवां प्रश्न, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादित राज्य का नाम बताइए। आठवां प्रश्न, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? और नौवां सवाल, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? और दसवां प्रश्न आपके सामने, भगवान महावीर उद्यान यानी भगवान महावीर नेशनल पार्क कहां अवस्थित है, कहां है सिचुएटेड? और ग्यारहवां सवाल है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल नेशनल पार्क कहां है? बारहवां सवाल, वेदांत गल अभ्यारण्य कहां है? वेदांत गल अभ्यारण्य। और तेरहवां सवाल, कजरी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? कजरी डांस किस राज्य का डांस है, नृत्य है? चौदहवां सवाल, तमाशा किस राज्य का नृत्य है, डांस है तमाशा? प्रश्न नंबर 15, झूमर किस राज्य का नृत्य है?
और प्रश्न नंबर 16, हमारे देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है और सवाल नंबर 17, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? और 18वां प्रश्न, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? और आगे बढ़ते हैं 19वें सवाल की तरफ। 19वां प्रश्न, काकरा पार परियोजना किस राज्य में है? 19वां प्रश्न है, काकरा पार परियोजना किस राज्य में है? और आखिरी सवाल 20वां प्रश्न, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आप लोग आराम से इसका उत्तर करें, बहुत ही सरल है, सहज तरीके से, घबराए नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट, आंसर करें।